मम्मी नहीं होता, मम्मी मर जाता, मैं घर नहीं जाता। जिंदगी में भी मैं घर नहीं जाता। मेरे भैया का शक्ल देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगता, नफरत है। तो भैया के पास तुम कैसे पहुंचे? कैसे मालूम पड़ा ये भैया दूसरी लड़कियों के पास आता है? कौन बोला? मेरा घर का सामने में ही है, जैसे ये सामने वाला गली और पीछे वाला गली ऐसा ही है। अच्छा, तो कैसे तुम्हें? मेरा भैया का दोस्त था, मेरा भैया ने उसको बोल दिया था मेरा बहन का साथ ये काम किए, वो ये करती वो करती, वो भैया ने मुझे पूछा था और वीडियो भी दिखाया था। मैं बोला भैया किसी को मत दिखाइएगा। तुम्हारा वीडियो बनाया था भैया ने? मैं कैसे बताऊँ, मुझे घर जाने का सच में बोल, मैं सिर्फ मम्मी नहीं होता, मम्मी मर जाता, मैं घर नहीं जाता। जिंदगी में भी मैं घर नहीं जाता। मेरा भैया का शक्ल देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगता, नफरत है। बोलता था तुम्हारा मम्मी को मार के फेंक दूंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कौन मरा है बोल के। तुमने क्यों हाथ काटा? मेरा भैया का साथ झगड़ा करके मेरे साथ गंदा काम किया था ना, इसलिए तंग तो बहुत किया है। कैसे तो मेरा अपना मामा ने भी मुझे हाथ लगाया था, मारा था बहुत, मेरा हाथ भी जला दिया था, निशानी है अभी भी। दस साल उम्र में निकले थे घर से, और नाइट का 10-15 हज़ार का नीचे में नहीं बैठा था। 15 हज़ार लेने से 5-10 हज़ार मेरा, 5 हज़ार उन लोगों का, ऑटो वाला लोग लेकर आते हैं, वो लोग दलाल हैं। दलाल को जैसे 5 हज़ार का होने से उसको 1,000 रुपये मिलता है। अभी आया आके 20 दिन हुआ मुझे सिलीगुड़ी से दिल्ली आके, 20 दिन हुआ। उसके बाद पुलिस दीदी ने पकड़ लिया, उम्र कम थी ये बोल रहा था। दीदी बोला झूठ बोल रहे हो, तो हम बोला नहीं अपने मर्जी से हो, क्योंकि उधर डर आके रखा था अगर पुलिस आएगा तो तुझे छोड़ेगा नहीं, जेल भी हो सकता है। कितने बजे से कितने बजे तक जाके रहना पड़ता है? शाम का 7 बजे से लेके सुबह 7-8 बजे तक। यहाँ पर तो कम रहता है, फिर भी मैं लेता था, दिन में लेता था 20 और रात में तो बहुत लेता था, कभी कभी 7 भी हो जाता है, कभी कभी 50 भी हो जाता है ऐसा। और जिससे बोल देता है ना सुंदर से चाहिए, कम उम्र का चाहिए, तब मुझे दिखा देते हैं ये लोग। मेरा तरीके से मुझे अपना गांव नहीं जाना है, मुझे दूसरा जगह में जाके काम करके रहना है। वहाँ से मम्मी को बाहर बाहर मैं देख सकती हूँ, लेकिन पास में जाके नहीं देख सकती। मुझे वो गांव से नफरत आ चुका है मुझे।